एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। तो यार आज था संडे, और संडे को तो यार वैसे भी हमारा कोई प्लान ना भी हो तो घर के कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। तो इसी तरह से आज का हमारा काम ये था कि आज हमने वेजिटेबल्स लेने जाने थे, क्योंकि संडे को अगर ग्रॉसरी हो जाए तो पूरा हफ्ता सुकून रहता है कि यार चलो आज का हमारा टाइम बचा। तो इसी तरह से हमने सोचा कि यार वेजिटेबल्स सारे हमें एक ही जगह से मिल जाए तो हम चले गए संडे मार्केट। और सबसे पहले हमने वहाँ से अपने लिए कैरेट्स ली, सारा हमने आज सारा जूस का सामान लिया कि यार हमारा जूस पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद यार हमने पेट्रोल डलवाया, और जैसा कि आप जानते हैं इतनी लंबी लाइन थी और हमें वहाँ लेट हो गया। उसके बाद यार हमारा प्लान था कि यार हम नाश्ता कर रहे हैं बाहर से, एज़ यूजुअल कि यार जब बाहर निकलें तो इस तरह की प्लानिंग्स तो बन ही जाती हैं। उसके बाद हमने किया नाश्ता, नाश्ता करने के लिए हम गए थे PIA सोसाइटी, और वहाँ हमारी फेवरेट जगह नाश्ते की। हमने जब भी नाश्ते का जब हमारा सीन होना तो हम सबसे पहले उधर के ही सोचते हैं कि यार हमने उधर जाना है नाश्ता करने। तो यार नाश्ता बहुत ही अच्छा था, और कुछ इस तरह का था देसी टाइप का नाश्ता, और इट वाज सो 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 यमी एंड डिलीशियस। यार अभी तक पेट फुल है हमारा। और फिर हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, हमने की कुछ ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी में एज़ यूजुअल हमारी वही बच्चों वाली चीज़ें, हमने ली कोक। ग्रॉसरी से हमारा मतलब यही होता है कि यार हमारी चीज़ियाँ। और उसके बाद यार ऐसे हम आए और चॉकलेट्स लिए बगैर चले जाएं, यार आपको तो पता ही है फिर चॉकलेट्स के बगैर तो कोई मूड ही नहीं है ना मतलब। उसके बाद हमने अपनी थोड़ी सी चॉकलेट्स ली, और उसके बाद हमने खाई एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो कि है शकरकंदी, और ये बहुत ही मज़े की थी और हमें खानी चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी होती है। उसके बाद यार हम घर को लेट हो रहे थे तो हमने सोचा कि यार चलो अब घर चले जाते हैं, वरना हमारा एक दो प्लान्स और भी थे। तो यार घर आते ही, क्योंकि हम आम रूटीन में पराठा नहीं खाते तो कुछ स्टमक अपसेट हो गया था, और उसकी वजह से फिर मैंने बनाई ग्रीन टी। तो मैं अपने लिए बनाई थी तो मैंने सबसे पूछ लिया, तो बाबा ने भी पीनी थी उनके लिए भी बना दी। और यार ग्रीन टी का हमारा फ्लेवर था जिंजर हनी, जो कि मुझे लगा था कि शायद अच्छा होगा टेस्ट वाइज, लेकिन बस ठीक था। इसके और भी फ्लेवर्स होते हैं, और भी ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन टी को अगर हम अपनी डाइट के दौरान वेट लॉस के लिए पिएँ तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इससे हमारा वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और ये बहुत अच्छा भी होता है अगर हम खाने के बाद अक्सर इसको यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा स्टमक अपसेट ना हो। अगर हम अपनी डाइट के दौरान इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसको खाने के बाद पीना चाहिए, और सुबह भी हम इसको ले सकते हैं नाश्ते के साथ। हर तरह से इसका फ़ायदा होता है इसका। और उसके बाद हमने कावा बनाया जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। ग्रीन टी सर्व करने के बाद मैं अपनी ग्रीन टी लेके अपने रूम में चली गई, और इसी के साथ हमारा आज का संडे का छोटा सा व्लॉग ख़त्म होता है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।